तुम लोग भी लाना थे पास जो इस तरह मिठाई तो ले आया करो भाई। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। रोना भी शुरू कर दिया बच्चों ने, बीच में आवाज आती रहती है। अजीब अजीब आवाज आती है फिर आई सर। हाँ बोलो ना, किन दोनों को बातें कर रहे हैं ये दोनों? ये सही कहा किसी ने, औरतों में जलन हसद सब कुछ भरा होता है लड़कियों में। अब दो सहेली साथ में तीसरी गली क्यों बैठी कुछ लड़कियों, सॉरी सारी लड़कियां नहीं कुछ लड़कियों में, कुछ लड़कियों में नाम आ गया फौजिया। और ना समझ यहाँ खाबो बैठे क्लास में डिस्टर्ब ना करें। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगा। यूक्लिड का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करना है? यूक्लिड का, यूक्लिड का डिवीजन लेम्मा का इस्तेमाल करना है आपको। डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम्स भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करना है और आपको SCF निकालना है। क्या निकालना है? SCF निकालना है। किसका निकालना है SCF? एक नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 16 और दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 28। दो नंबर दिए हैं, इन दो नंबर का आपको क्या निकालना है? SCF निकालना है। जैसा कि मैं आप लोग से कह रहा था, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अंदर फिर बातें शुरू हुई, इससे मुझे अंदर जाना पड़ेगा आवाज बंद करने के लिए। टीचर नहीं आए भाई, क्या बात है? आप लोगों की तो फास्ट करने के, तो वो करो ना, मुझे स्टोर बनाने का मतलब फास्ट करना मतलब तो आने चाहिए उन्होंने, अपने अंदर में बात सुनी आएंगे वो तो करो फोन, लेकिन शोर ना मचाओ, बाहर जाके बात करना। अब ऐसे अब निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से निकालना है। ए बराबर 16 दिया है, बी बराबर 28 दिया है। सी पेपर में एक क्वेश्चन और सा भी आता था जिसमें सी भी दिया हो, पर इंटीजर सी भी दिया हो। यहाँ दो दिए थे, दो में निकालना है, जहाँ तीन दिए वहां तीन में निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या फिर एल्गो इसमें आपको जो बड़ा है, जो बड़ा है उसे ए मानते हैं, उसे बी मानते हैं। जो बड़ा होता है बड़े को ए मानते हैं, छोटे को बी मानते हैं। उल्टा मान लेता हमने, फार्मूला आपके पास सही है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यहां आपको पता है यहां क्यू जो है वो इंटीजर्स है। U is integer and R is remainder, और यहां R की वैल्यू जो लेते हो तुम जीरो से बड़ी और बराबर, और किससे छोटी लेते हो? B से छोटी लेते। ऐसे होता है कुछ, आपको यहां पर दिया हुआ क्या है 28, B कितना है 16, किससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाए या इससे कम आ जाए। अगर हम 16 को दो बार गुणा करते हैं 32 आएगा, इससे ज्यादा आएगा तो एक बार गुणा करेंगे। अच्छा ये आप करें ऐसे जरूर, लेकिन जो छोटी क्लास से बच्चों जैसे करते थे डिवीजन करके ऐसे मिलाते थे वो कर ले रफ में, ताकि उसको देखकर आप यहां लिख सके। जैसे कि बड़ा वाला अंदर लिखते हैं डिवीजन मेथड में, ऐसे निकालने के लिए छोटा वाला बाहर रखते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। अगर चला जाता है 2 पे तो बड़ा हो गया, 1 पे करते हैं 16, जो रिमाइंडर बचता है उसे यहाँ लिख देते हैं। कितना बचा रिमाइंडर बच्चों? 12 बचा। अब आपको क्या करना होता है, ये 28 तो जो यहाँ लिखते हैं जिससे आपने डिवाइड करा तो उसे यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जितनी जा पे जाएगा वो लिख देंगे और प्लस में जो रिमाइंडर होगा वो डाल देंगे और यहाँ शो करते चलेंगे। अभी आर जीरो नहीं आया है, जब तक आर जीरो नहीं आएगा बार बार ये काम करेंगे। अब हम जो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड करते हैं? अब हमारे पास जो नंबर आया निकलकर वो ये आया, इस नंबर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये 16 अंदर लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, फिर 1 जा पे जाता है, 12 बन जा 12, 4 बचेगा,
अब इसके अंदर हम करते क्या है कि जितनी जाप है उसे यहाँ डाल देंगे, जो रिमाइंडर बचा उसे प्लस कर देंगे फोर, अभी भी जीरो नहीं आया, फिर भी लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू जीरो। फिर एक और शिफ्टिंग करेंगे, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे, रिमाइंडर इधर शिफ्ट कर देंगे। अब आप जानते हैं आपको 4 से 12 को डिवाइड करना है, कितनी जापे जाएगा, 3 जापे जाएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इस तरह 3 जापे गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है समझो ये पे स्टॉप कर देते हैं, और जो इस नंबर के बाद यहाँ लिखा होता है यही HCF होता है। यहाँ HCF हमारा यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम से आ गया 4, ये आपका आंसर हो गया। इसे उतार, समझ में आया भाई आप लोगों को? ठीक है।